हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए अगस्त 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है और आप सभी के लिए रीडिंग होगी। तो टैरो डेक के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो डेक के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग, तो यहाँ आपके लिए कार्ड आया है एज ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की तरफ से एक मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल या फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है। वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी अर्थ साइन के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहाँ कोई अर्थ साइन का पर्सन हो सकता है जो आपकी ब्यूटी से काफी अट्रैक्टेड है और ये पर्सन जो है काफी एडमायर करते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। और वहीं ये फाइनेंशियली काफी स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है तो जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी लीब्रा के साथ भी रिलेशनशिप में हैं कुछ लोग, और यहाँ जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में एक लीब्रा तुला राशि के व्यक्ति आपके साथ जुड़े या उनके साथ एक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप आपकी हो। और यहाँ आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो तुला राशि के हैं भी या नहीं भी, तो भी ये पर्सन जो है काफी फेयर माइंडेड होकर इस रिश्ते को सोचने वाले हैं आपके पार्टनर, यानी निष्पक्ष होकर इस रिश्ते को अपने कह सकते हैं फेयरनेस के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द स्ट्रेंथ का। तो यहाँ कंट्रोल और डोमिनेट लव के की वर्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर काफी डोमिनेटिंग है, कंट्रोल इश्यूज है और इसी वजह से आप थोड़ा सा सोच में हैं कि आप इस इंसान के साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करें या ना करें, ऐसी सोच आपकी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और अपनी ही चलाते हैं, इस तरह के हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको परेशान करे हुए है, कुछ लोगों को ऐसा भी दिख रहा है। तो यहाँ आपके पार्टनर का डोमिनेशन भी दिख रहा है, उनकी कह सकते हैं कंट्रोल इश्यूज यहाँ दिख रहे हैं। तो ये एक मैटर हो सकता है रिलेशनशिप में, इसी वजह से थोड़ा आप फिर से सोच रहे हैं कि ये इंसान पे आप भरोसा करें या ना करें, या इन फ्यूचर आप लोगों के लिए ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ऐसा कुछ आपके अंदर चल रहा है। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, जैसा कीवर्ड्स भी दिए गए हैं डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप। जी, कुछ लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई है, रिश्ते में बहुत दरार आ गई है और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के साथ, कुछ ऐसे इश्यूज थे जैसा अभी कंट्रोल इश्यूज और डोमिनेशन की बात थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा है हुआ है कि आप लोग दूरियों पे हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और अब आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा सोच के आप मूव ऑन करने की सिचुएशन में आ गए हैं कुछ लोग, ऐसा भी दिख रहा है। और यहाँ से भी अर्थ साइन की एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स का। तो एक वाटर साइन की बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन आपके लिए आ रहे हैं इस मंथ में और ऑलरेडी हैं ये आपके जीवन में, पर इनका प्यार जो है वो ये बताते नहीं हैं और बहुत ही हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, पर ये बहुत चाहते हैं आपको, बहुत इमोशनल हैं, क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत इंट्रोवर्ड हो सकते हैं और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश हो, बहुत दिलो जान से चाहते हैं ये इंसान आपको और ये इनका प्यार भी बहुत सच्चा है, पर ये इंसान बताते नहीं है, शायद आपसे डरते हैं या आपके सामने आने से इनको डर लगता है या किसी तरह की इनकी कह सकते हैं कि हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ऐसा भी दिख रहा है। और ये ऑलरेडी आपके जीवन में है, ऐसा भी दिख रहा है। तो किसी का प्यार यहाँ दिख रहा है आपके लिए। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकस। तो यहाँ ऐसा लग रहा है पेंटिकस एनर्जी का कोई पर्सन हो सकता है, इस पर्सन को आप देख रहे हैं काफी कह सकते हैं यंग एनर्जेटिक पर्सन हो सकते हैं, पर ये हर चीज को टाइम देकर पूरा करने वाले लोगों में से हैं। तो ये काफी एडमायर करते हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी ने बहुत अट्रैक्ट करती है, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अट्रैक्ट करती है इनको, पर ये इंसान चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले फ्रेंडशिप से शुरू हो और उसके बाद आगे बढ़े। तो ये काफी रियलिस्टिक पर्सन है और ये चाहते हैं कि
आप अपना टाइम लें, उसके बाद इस रिश्ते को कह सकते हैं आगे बढ़ाएं। इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से रिश्ते में आगे बढ़ने में स्लो कह सकते हैं, पर ये हर फील्ड में बहुत आगे हैं, पर रिश्ते को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने में यकीन रखने वाले पर्सन हो सकते हैं जो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा भी कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है आपका सीक्रेट लवर हो सकता है, ऐसी फीलिंग यहाँ दिख रही है। वहीं आपके लिए कार्ड आया है, 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, और जो मैसेज है, द रिजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, ए वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और को डिपेंडेंसी। आपके लिए परेशानियां खत्म होगी और आप बहुत फ्री फील करेंगे इस मंथ में, ऐसा दिख रहा है। और एक नए कह सकते हैं तरीके से आप जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, बड़े स्टेप्स लेंगे जीवन में। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, 4 ऑफ ऑटमन का, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइसली, अचीव ए बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। आपके पास काफी पैसा आ रहा है इस मंथ में, आपको जॉब मिल सकता है, बिजनेस अच्छा चलेगा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि मनी सोर्सेस बढ़ने से आपको कह सकते हैं आपके पास काफी पैसा होगा। तो यहाँ से आपको यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पैसे को इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी खर्चीले ना बने। और जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, थोड़े से कम भाग्यशाली हैं, उनकी आप मदद करें, चैरिटी करें, ताकि आपके लिए ये ब्लेसिंग डबल होकर आए। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, प्रिंसेस ऑफ ऑटमन का कार्ड है, स्टूडियस, रिस्पॉन्सिबल, चेयरफुल और मिस्चीवियस। जी, काफी हंसी मजाक करने वाले, शरारती, नॉटी पर्सन हो सकते हैं, बहुत कह सकते हैं चाइल्ड लाइक इनोसेंट पर्सन हो सकते हैं जो आपके जीवन में आए, पर ये बहुत इंटेलिजेंट है। और ये आपके क्लासमेट रहे हो सकते हैं, या ऑलरेडी हैं ये आपके साथ, कुछ लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर चुके हैं इनके साथ। तो यहाँ उनके साथ आप मिलकर कुछ कैरियर में नया स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और ये इंसान जो है वो, जैसा यहाँ मैसेज भी दिया गया हैप्पी न्यूज अबाउट योर कैरियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। जी, आप बहुत बड़ी सक्सेस पाने वाले हैं कैरियर में, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, 8 ऑफ विंटर का, यू हैव वॉट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस वेन यू आर नॉट, ए लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। आप में से कुछ लोग अभी कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर कर आए हैं जो काफी हॉरेबल थी, बहुत डरावनी सिचुएशंस थी जिससे आप बाहर निकल कर आए हैं। तो आपको लग रहा है कि आप पावरलेस हैं, आपके पास पावर नहीं है, आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा आपको लग रहा है, पर ऐसा है नहीं एक्चुअल में। तो आप अपनी पावर्स पे भरोसा करें, यूनिवर्स पे भरोसा करें, गॉड पे फेथ रखें, और जो आप करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उसके लिए एक्शंस लें, वो सब कुछ आपके लिए आपके पक्ष में होगा। तो यहाँ आप बिल्कुल भी कह सकते हैं बिना डरे आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करें, ऐसा आपको कहा जा रहा है। वहीं आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का, और जो मैसेज है, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। जी, कुछ चीजें अभी तक ऐसी हो गई कि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स, या कह सकते हैं आपके लिए जो डेस्टाइन था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, ऐसा आपको लग रहा है, पर आपकी जीत होगी, और जो कर्मा जिसने जैसा कुछ किया है वो रिटर्न में वैसा ही पाएगा। ये सब चीजें आप यूनिवर्स पर छोड़ दें और आप अपने जीवन उद्देश्यों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ आपके लिए जस्टिस होना लिखा हुआ है, तो न्याय होगा आपके साथ। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का, चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट और रेस्टलेस। इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो बहुत पैशनेट हो, बहुत आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं, ये आपके जीवन में आ रहे हैं। और यहाँ जो मैसेज है, इमीडिएट एक्शन इज चैलेंज, यू कैन सक्सेसफुली मैनेज ए पैशनेट रिलेशनशिप। आपके लिए एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है जो बहुत पैशनेट होगा, और ये बहुत कह सकते हैं क्विक पर्सन हो सकते हैं, ऐसे भी पर्सन भी आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं इस मंथ में, या इनका एक फ्रेंडशिप, एक जनरल कनेक्शन भी इनके साथ जुड़ सकता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्रेंड की तरह यूनिवर्स द्वारा भेजे जा रहे हैं, ताकि आप जिन सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें एक हेल्पिंग हैंड की तरह होंगे आपके लिए। वहीं आपके लिए हम देख रहे हैं जो पर्सन आपके लिए आ सकते हैं, उनके इनिशियल्स, जेडिक साइन, और आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा, क्यों नाम से हो सकता है, उनके इनिशियल्स में आर, जी, पी, एन, एस, ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। और राशि, आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं या बन सकते हैं, मीन राशि के लोगों से कनेक्शन जुड़ सकता है,
स्क्रॉपियो से आप रिलेशनशिप में हैं, टॉरस हो सकते हैं, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, लीब्रा हो सकते हैं तुला राशि के, और ये भी आया है वर्गो भी हो सकते हैं, वो भी आप ही की तरह कन्या राशि के हों। वहीं आपके लिए मैसेज देख रहे हैं इस मंथ में, आई होप यू नोटिस मी। किसी पर्सन की फीलिंग है आपके लिए, वो चाहते हैं कि आप उन्हें शायद नोटिस करें, या प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, आपको ऐसा भी मैसेज है, ऐसा भी मैसेज है आपके लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई फील फॉर यू, वो चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें। आई लव अवर टेलीपैथिक बॉन्ड, आप लोगों के बीच में टेलीपैथिक बॉन्ड है, और ये चीज वो भी जानते हैं, आप सोलमेट्स हो सकते हैं कुछ लोग। यू ब्रोक माई हार्ट, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में ब्रेकअप का फेज आ गया, तो उन्हें लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, ऐसे भी फीलिंग है। ड्रीम, आप उनका एक ड्रीम है, और आई वॉन्ट आई नो यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी नो मैटर वॉट, जी आप ऐसा भी मैसेज है आपके लिए। आई फील हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विथ यू, जी एक डीप लेवल का कनेक्शन वो आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसा उनकी फीलिंग्स में आया है। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए हैप्पी एंड ब्लेस्ड मंथ वर्गो।